बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने लास्ट टाइम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट स्क्वेयर किया था, तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उर्दू में से फिलहाल जारी करते हैं। उर्दू में पहचान, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, कैसे पता चलेगा उर्दू में? बेटा मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि ये जो टेंस उर्दू में पहचान है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन में आपको हेल्प देंगे। अब देखिए जिम फिगरो क्या फिगर बेटा, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, आएगा, तो फिक्र कौन से किस क्या कह रहे हैं? फिलहाल जारी के या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। मसलन हमारे पास एक फिक्र है, मैं स्कूल जा रहा हूं। इंग्लिश में इसका क्या स्ट्रक्चर होगा हमारे पास? मतलब ऑलरेडी मैं प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में कर चुका हूं, हमारे पास तीन स्ट्रक्चर होने चाहिए प्रेजेंट सॉरी इंग्लिश में, सिंपल स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं, जिन फिक्रों के स्टार्ट में ये चीजें होंगे उसका सिंपल स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो कि इन सब को इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये सब वर्ड इसके लिए आईएनजी फॉर्म के लिए यूज हो सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेंटेंस पढ़ा था, मैं स्कूल जा रहा हूं, सो इसके लिए क्या होगा? आई एम गोइंग, जो कि गो की आई एन जी फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म गोइंग होगी, टू स्कूल। होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी बता चुके नेगेटिव स्ट्रक्चर वो होती है जिसमें नॉट या नहीं का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को हम लेते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, बट इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, इन तीनों में से कोई एक लगाएंगे उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बट मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, उसका क्या होगा? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। होप सो नेगेटिव भी समझ आ गई होगी। उसके बाद बेटा हमारे पास है इंट्रोगेटिव
बट इसको इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं और इंटरोगेटिव भी पढ़ सकते हैं। बट मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? लास्ट पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन। बेटा इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इज एम, और बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो फर्स्ट वर्ड है किसी भी सेंटेंस का हम कैपिटल ही लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या मैं स्कूल जा रहा हूं? एम आई गोइंग टू स्कूल, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। बट होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।